मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अपनी हरी चटनी घर पे भूल के आई हूँ। Hey everyone, welcome back to my channel, or I should say welcome to my channel The Divine Bee. I am Urvashi Singh and the last time मैंने अपने channel पे एक video upload की थी was 2 years back. 2 साल से मैंने कोई भी video नहीं बनाया, कुछ भी upload नहीं किया. I was in my college. मैं अपना college कर रही थी, जो भी मुझे करने में कोई interest आ नहीं रहा था. बट अभी द स्टेटस इज मैंने अपना फाइनल ईयर का 4th ईयर का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है. आई एम सपोज टू गिव माई वाइवा नाउ एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड उसके बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी. सो या टुडे इज 23rd of August एंड आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड आई प्रोमिस कि अब मैं फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज लाऊंगी. लाइक आई व्लॉग, आई विल मेक चैलेंज वीडियोज एंड एवरीथिंग. Let's do it. I want to do YouTube. बड़ा fascinating है यार मेरे लिए. I want to live that influencer life. So ऐसे छोटा सा you know to start. अभी मैं क्या कर रही हूँ, It's 23rd of August as I said and कुछ 11:30 बज रहे हैं. मेरा exam complete हो चुका है but मैं notes लिख रही हूँ. Why? Because क्योंकि यार पढ़ाई तो हमने बुक से कर ली है, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो क्या तो कर लिया. बट मेरे जो टीचर है ना HOD ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही वॉन्ट्स नोट्स वाइवा में. ही वॉन्ट्स टू सी आर पिछले 1.5 साल के नोट्स जो मेरे पास नहीं है. अब मैं उनको लिख रही हूँ, एग्जाम खत्म होने के बाद नोट्स लिख रहा है. तेरा माई जूनियर्स, दिस इज फॉर यू. ये आपको दूंगी मैं, क्योंकि मेहनत लग रही है यार, लिखने में मन नहीं हो रहा. पर एग्जाम खत्म होने के बाद किसका पढ़ने का मन करता है, मेरा तो नहीं करता है. बट मैं नोट्स लिख रही हूँ. चलिए ठीक है, देखते हैं. आई डोंट नो हाउ इज दिस व्लॉग गोना गो, बट जैसा भी है देखेंगे. हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं. ब्लॉग करने की एंड एवरीथिंग. सुबह मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग करूंगी एंड ऑल. मेरा वाइवा था जो पंचकर्मा का. मैं मस्त तैयार हुई, मैंने गेट रेडी विद मी, शूट किया, वाइट वाइट कपड़े पहन के गई. मेरे कपड़ों में इंक गिर गई पूरा, लाइक एप्रन मेरा वाइट हो गया ब्लू. मेरे वाइट कपड़े, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया. उसके बाद ना वाइवा एवरीथिंग वाज नॉट गुड, तो ठीक नहीं हुआ. फिर अब थकी हुई थी, देन मेरा कुछ सोच रही हूँ मैं. तो मैं चर्च स्ट्रीट आई हुई हूँ, ये मेसी आ गई कि मैं क्या बड़ा करने वाली हूँ. तो उसके बाद यार क्या मस्त लिट है ये पूरी इस टाइप. आज थर्सडे है, थर्सडे इवनिंग का मस्त लिट है चर्च स्ट्रीट में. आई लाइक सम वीडियोज, यहाँ पे जाके देखो यार. चार्म्स तो ऐसे दिख रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा चार्म्स, इतना कुछ आ गया है चर्च स्ट्रीट में. ऐसा लग रहा है मैं सदी के बाद आ रही हूँ. सो मैं एक वीडियो पक्का बनाऊंगी, पूरी वीडियो लाइक एक्सप्लोरिंग चर्च स्ट्रीट की. जो चर्च स्ट्रीट है उसके पीछे वाली है वो मस्त. इस टाइम क्या लग रहा है मुझे रहा. एंड उसके बाद थोड़ा कॉफ़ी पीने का मन हो गया, क्योंकि मूड बहुत ख़राब था आज. तो आई हैव कम टू माई फेवरेट कॉफ़ी शॉप. लाइक मैं फर्स्ट ईयर से यहाँ आ रही हूँ, फर्स्ट ईयर से. फेवरेट कॉफ़ी नाउ अडेज मेरे को एक बहुत पसंद आ रही है, राइस्ड कैरमल लाटे. एंड दिस कैफे इज मिटियो. इफ यू हैवंट कम हियर प्लीज आओ भाई. क्या मस्त खाना है, क्या मस्त कॉफ़ी है.
जैसा कि मैंने अभी बताया था ना कि आई एम प्लानिंग समथिंग बिग एंड ऑल, वो तो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा भाई, या तो तुमने देख भी लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा. बट मैंने स्टोरी डाली अभी इंस्टाग्राम पे एंड द अमाउंट ऑफ लव यू गाइज आर गिविंग मी, आई लव यू गाइज, मतलब तुम लोग बहुत प्यारे हो यार मेरे दोस्त. आई एम जस्ट सो लकी टू हैव यू ऑल, इतना प्यार, थैंक यू. मतलब जो यहाँ नहीं है बैंगलोर में, दे एवरीबडी इज टेक्सटिंग ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट. आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज, आई लव यू गाइज. हेलो जी, तो इतने एक्साइटेड हो गए हम कल के लिए, इतने एक्साइटेड हो गए कि खाना नहीं बनाया अपने लिए. अभी बज रहा है 11:30, खाना ऑर्डर कर दिया गया है, आएगा खाएंगे. इतने एक्साइटमेंट के अपने बारे में भूल गए. ये देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बैग मैंने अभी नया लिया है और इस बैग के साथ मुझे इतना सारा कूड़ा मिला है और इस कूड़े को फेंकने के लिए मुझे एक अलग से बैग लगेगा जो मेरे पास नहीं है अभी. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं उठ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए. सो अभी तो चलो पहले दूध लेके आते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद लगते हैं काम पे. इट्स गोना बी अ ग्रेट डे टुडे, चलो आ जाओ. हाँ, तो जो मैं करने जा रही हूँ चर्च स्ट्रीट पे आज, इसकी मैं एक फूड स्टॉल लगा रही हूँ, ठीक है. तो उसके लिए मैंने तैयारी चालू करी है. यहाँ इमली मैंने गर्म पानी में सोख करने रख दी है, ये छोले भीग गए हैं अपने, बस इनको पकाना है. एंड अब देखो क्या हुआ है, मुझे छोले पकाने हैं एंड एकदम से मुझे याद आया कि मेरा कुकर का ये सेफ्टी वॉल्व जो होता है ये उड़ गया है, अब मेरे को इसको बनाने जाना है. तो चलो इनको बनवा के आते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी जरूर है ना, तो चलो अब इसको बनवाएंगे चल के. देखो भाई, ये हमारा गुड़ बन पिघल रहा है फॉर चटनी एंड दिस इज द टैमरिंड पल्प. आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए जब आप आ रहे हो मेरे पास कभी फ्यूचर में खाने की, बिकॉज ये ब्लॉग तो बाद में आएगा ना, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप कभी आते हो देन यू नो कि वॉट एफर्ट्स एंड वॉट ऑल थिंग्स आई पुट. और भाई ये देखो बन गया मेरे छोले, ठीक है. अभी और क्या आना है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट होना स्टार्ट हो गई हूँ. ये मेरे बन गए, मुझे थोड़ा सा आलू और बनाना है एंड फिर मैं फटाफट गेट रेडी विद मी करती हूँ और मैं शूट करूंगी या कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी तो अपने को रेगुलर होना है, रोज वीडियो डालेगी उर्वशी. तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ और मैं पहुंचती हूँ. I'll meet everybody at 5:00 at Church Street. ये मेरे अंक भैया थे, इन्होंने मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया आपने. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम चैलेंजिंग माय सेल्फ टुडे. मैं स्ट्रीट में खड़े होके, यहाँ चर्च स्ट्रीट जहाँ इतने लोग हैं, इट्स सो इंटिमिडेटिंग, मैं यहाँ खड़े होकर खाना बेचने वाली हूँ. आई हैव 50 प्लेट्स रेडी, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्केयर्ड एंड नर्वस, लेट्स सी हाउ इट गोज. आज के मेन्यू में आई हैव मेड छोले खस्ते अलॉन्ग विद चटनी एंड आलू, लेट्स सी हाउ इट गोज. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अपनी हरी चटनी घर पे भूल के आई हूँ. साइलेंस के बीच में हमें प्यास लगी है. व्हाट आर वी हैविंग समी? दिस इज नेक्स्ट लेवल डेका कॉफी इन बैंगलोर.
some of our my customers, how do you like, what do you have to say about the food? Tasty. Thank you so much. Video kar rahe hain. Back with love. Views on my food. Bahut tasty hai. Miss mat karna. MG Road mein aana hai. Kiske samne? Urvashi batayi. Hamesha yahan milungi. Char saal khaya abhi jaa raha hu. Hi guys. I am back. I am feeling like main koi jang jeet ke aayi hu. Main bahut thak gayi hu. Main first फटाफट मेकअप हटाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ के कुछ बहुत ज्ञान की बातें करूँगी जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है. इट वॉज अ फन डे. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे. मैं कल बस आई, चेंज करके खाना खा के मैं सो गई थी. सो मुझे एक्चुअली अपना पूरा एक्सपीरियंस बताना था. तो मेरे पास इतना वीडियो नहीं है बिकॉज मैं थोड़ी बिजी हो गई थी बाद में. सो हुआ क्या, लाइक जब तक मैंने ये एक्चुअली प्लान कहाँ से आया मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा कुछ करना है. मैंने सोचा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट. मैंने सोचा और मैंने रात में वो चैट GPT से एक मस्त ये वो इन्विटेशन बनवाया और भेज दिया कुछ लोगों को. एंड उसके बाद अगले दिन यार मैं कॉलेज गई, मेरा थोड़ा ऐसे थक गई, मेरा मन नहीं हुआ करने का. तो आई वॉज लाइक नहीं करेंगे. बट फिर मुझे एक दो लोगों का फोन आ गया कि हाँ हम आएंगे, यू आर डूइंग ग्रेट. आई एम लाइक शिट, अब मुझे सच में करना पड़ेगा. सो जब तक मैं कर रही थी, मैंने घर में किया, सब कुछ अरेंज किया, इट वॉज फन अंटिल I reached there. और मैं जैसे ही चर्च स्ट्रीट पहुंची एंड आई मुझे रियलिटी समझ में आई कि शिट. एंड आई स्टूड देयर फॉर लाइक 15-20 मिनट्स एकदम ऐसे फ्रोजन. मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक प्लेस पे ऐसे कुछ करने जा रही थी. आई डोंट नो, इट टुक लाइक मुझे 15-20 मिनट तो लगे अडॉप्ट करने के लिए कि क्या हो रहा है और ये मैंने क्या करने का वो कर लिया है. फिर सेमी आई एंड जब तक सेमी नहीं, जब तक तो मैं ऐसे खड़ी थी मस्त चश्मा लगा के. आई एम लाइक किसका स्टॉल है, मैं नहीं जानती, किसी की टेबल रखी है, मैंने कुछ खोला ही नहीं था. मैं वहां बस खड़ी थी ऐसे गॉगल्स लगा के कि मैं नहीं जानती कौन है यहाँ पे, कि कौन किसका मालिक है. आई सॉ सेमी कमिंग एंड देन आई गॉट वेरी हैप्पी. उसके बाद मैंने पहली प्लेट उसको दी कि लेट्स स्टार्ट, अब करना तो है ही. एंड उसको देख के दो तीन लोग और आए एंड देन आई कॉल्ड फ्यू पीपल एंड जेन्युइनली उनको बहुत अच्छा लगा बिकॉज दे वर लाइक इट्स वेरी गुड, घर की याद आ गई. एक दो लोग तो लाइक दे वेंट बैक, 10 मिनट बाद लौट के आए कि एक प्लेट दे दो. सम पीपल लाइक एक खाया एंड देन कैन वी टेक वन मोर प्लेट, कैन यू गिव पार्सल. यार इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बहुत पसंद है खाना बना के खिलाना, बट शोइंग ऑफ टू पीपल लाइक स्ट्रेंजर्स, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस. आई लव्ड इट. एंड हुआ क्या, इनिशियली मेरी थोड़ी डर रही थी मैं, ठीक है. आई वॉज लाइक लिटरली शिवरिंग और मैं एकदम फ्रोजन खड़ी थी. फिर मैंने थोड़े लोग आए, दे जस्ट सेड वेरी गुड थिंग्स अबाउट मी एंड द फूड एंड एवरीथिंग, कि आई लव योर गट्स एंड ऑल. मेरी तो लड़ाई भी हुई वहाँ के जो परमानेंट वेंडर्स थे जो मोमो बेचते थे एंड एक आंटी थी, मेरी तो गंदी लड़ाई हुई उनसे भाई. एंड मैं लड़ रही थी ना, देयर वर सम पीपल स्टैंडिंग एंड उसके बाद वो आके बोले कि वी सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट टेक योर स्टैंड, हटना मत यहाँ से, इन लोगों का तो काम है ये बोलना एंड ऑल, विच वॉज ग्रेट. मतलब स्ट्रेंजर्स आके आपको हिम्मत दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, इट वॉज ग्रेट. उसके बाद मैंने 10 प्लेट बेची एंड आई वॉज लाइक वो मैंने 10 प्लेट बेची. पर मैंने जब बॉक्स खोला ना, उसमें 50 प्लेट्स का मैं लेके गई थी, 40 प्लेट्स ऑलरेडी बची हुई थी, अभी तक बची थी. तो आई एम लाइक शिट यार, ये तो घर लेके जानी पड़ेगी क्योंकि ये नहीं बिकेंगी अब मुझसे, अब बहुत हो गया. बट मेरे सीनियर्स आए थे कॉलेज से, सम ऑफ माय फ्रेंड्स केम, मतलब इट वाज अ वेरी 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 गुड डे और वेरी हैप्पी डे फॉर मी. एंड बाय 9 o'clock मैंने ऑलमोस्ट 45 प्लेट्स बेची थी. एंड मुझे बोलना पड़ा था कुछ लोगों क्योंकि खत्म हो गया है, बिकॉज मैं छोले और कुलचे लेके गई थी एंड छोले खत्म हो गए थे, छोले और खस्ते लेके गई थी, छोले खत्म हो गए थे, बस खस्ते बचे थे. एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैं पहले मुझे थकना, मैं जो थकी थी ना, बट आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज स्माइलिंग लाइक, आई वॉज स्लीपिंग लाइक दिस.
आई वॉज सो हैप्पी. एंड मैंने हमेशा सुना है कि वेन यू वॉन्ट टू डू समथिंग कि तो आपको बहुत सारे लोग पीछे खींचते हैं, बट आई रियलाइज कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भले दो लोग आपको यू नो दे विल रिजिस्ट यू, बट देर विल बी 10 पीपल हु विल बी सपोर्टिंग यू. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड इस वीडियो को भी आप सपोर्ट देना. आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, कॉमेंट डाउन इफ यू आर कमिंग, इफ यू वॉन्ट टू कम, और आपको लगता है कि मैं क्या खाना बनाऊँ और ऐसा क्या क्या कर सकती हूँ. एंड आई प्रोमिस कि मैं थोड़ा रेगुलर होंगी अब यूट्यूब पे. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज अभी तो यूट्यूब भी करने का मन है मुझे. एंड अगर मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा यू नो, तो मेरे अंदर से वो वापस से नहीं करेंगे वाली चीज नहीं आएगी दोबारा. सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल बटन. एंड आई विल सी यू सून अगेन. And thank you so much.